एक्सरसाइज 6.2 में से सेकंड वाला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। इसमें दिया है, एक फिगर दिया आपको 4.142। चलो डायग्राम भी यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं। यहां पे हमारे पास 3 पैरेलल लाइंस दी हुई है, ए बी सी डी ई एफ। ए बी सी डी एंड ई एफ, इस तरह से हमारे पास 3 पैरेलल लाइंस है। और उसने क्या बोला है, वाई जेड का रेशियो दिया है 3:7। वाई टू जेड इज इक्वल टू 3:7, ये हमको गिवन में उसने दिया है। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है, फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है क्वेश्चन के अंदर। तो चलो ध्यान तो कैसे कर सकते हैं। और गिवन में क्या क्या दिया है वो बता देता हूं। गिवन में इसने दिया है हमको ए बी इज पैरेलल विद सी डी। गिवन में जो जो दिया हो यहां पे लिख रहा हूं मैं। वाई जेड का रेशियो 3:7 दिया हुआ है। उसके बाद और दिया है आपको ए बी इज पैरेलल विद सी डी एंड देन सी डी इज पैरेलल विद ई एफ, ऐसा हमको गिवन में दिया हुआ है। और रेशियो भी दिया है वाई टू जेड का 3:7 और बोला है एक्स की वैल्यू निकाल के दिखाओ। एक्स कौन है तो यहां पे मैं लिख लेता हूं, ये है हमारा एक्स, ये है वाई, देन ये वाला एंगल उसको दिया है जेड। ठीक है, चलो ध्यान। तो इस तरह के हमारे पास एक डायग्राम है और उस डायग्राम के अंदर कुछ चीजें हमको गिवन है, कुछ हमको फाइंड आउट करनी है। तो जो जो गिवन था वो सब मैं यहाँ पे आपके लिए लिख चुका हूँ। उसने दिया था ए बी इज पैरेलल विद सी डी, मैंने लिख दिया, देन सी डी इज पैरेलल विद ई एफ, तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और एक्स की वैल्यू आपको निकालने के लिए बोला है, कोई भी एंगल दिया नहीं है। उसने दिया है वाई टू जेड का रेशियो 3:7, वाई टू जेड का रेशियो 3:7। तो थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे, ये जो वाई है ये कौन से वाले एंगल के साथ इक्वल होगा बताओ। वाई वाला जो एंगल है वो किसके साथ में इक्वल होगा यहाँ पर, वाई जो है वो एक्स के साथ इक्वल होगा, बराबर है क्या? यस और नो? नो, वाई जो है एक्स के साथ इक्वल हो ही नहीं सकता क्योंकि ये दोनों तो इंटीरियर एंगल है। y इक्वल होगा इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल के साथ, बराबर है क्या? यस। हाँ, तो इसको मैं कोई भी वर्टिकल अपोजिट एंगल, इसको बोल देता हूँ एंगल ए करके। ठीक है, डायग्राम में मैंने दिखा दिया एंगल ए, तो एंगल ए के साथ में आपका y इक्वल होगा, बराबर है? हाँ, तो सॉल्यूशन में देखो कि कैसे लिखेंगे इसको। एंगल y इज इक्वल टू एंगल a, इसका रीजन क्या लिखोगे बताओ? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि a वाला जो एंगल है उसका मेजरमेंट भी y के साथ इक्वल है। तो हमें मालूम है y और z का रेशियो, बट यहाँ पे चेक करो ये दोनों एंगल एक दूसरे के साथ कौन सा एंगल है बताओ। ये जो एंगल है मेरा एंगल ए और एंगल जेड, इन दोनों को आप कौन सा एंगल बोलते हो? मैंने लास्ट में एक्सप्लेन किया था आपको, कौन बता सकता है कौन सा एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल। नहीं, करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलते हो आप लोग? एक्स के साथ में ये वाला नीचे का एंगल करस्पॉन्डिंग हो, ये दोनों एक दूसरे के कौन से एंगल है? वो दोनों एंगल इंटीरियर में है, बराबर है? इंटीरियर, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, बताया था क्या? यस और वाई जो है वो ए के साथ इक्वल है, और वाई वाला जो एंगल है अगर ए के साथ इक्वल होगा तो इन दोनों को मैं को इंटीरियर एंगल या फिर इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बोल सकता हूं। और मुझको मालूम है कि अगर कोई इंटर एंगल्स कहीं रहते हैं तो उनकी एडिशन होती है 180 डिग्री, बराबर है क्या?
तो यहां पे मैं लिख पाऊंगा एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका रीजन लिखोगे को इंटीरियर एंगल, या फिर आप यहां पे y की जगह पे पहले a लिखो, या फिर ब्रैकेट में लिखो आप y इज इक्वल टू a होने के कारण मैंने वैसा लिखा हुआ है। तो y प्लस z इज इक्वल टू 180, बट y और z का रेशियो मुझको मालूम है 3:7, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 3x plus 7x is equal to 180। सॉल्व करोगे 7 plus 3 ये हो गया 10x is equal to 180, तो x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 180 by 10, मतलब 0-0 कैंसिल, हमारी x की वैल्यू यहां पर निकल के आएगी 18। समझ में आया यहां तक? यस और नो? रिप्लाई करो फटाफट। यस सर। यस सर। थोड़ा फटाफट रिप्लाई करते जाओ, टाइम पास करते जाओ। चलो, तो x की वैल्यू हमारे पास 18 आ चुकी है। अभी हमको क्या करना है, इस वाली वैल्यू का यूज करके x मतलब हमारा क्या निकलाएंगे, x मतलब इस रेशियो की वैल्यू निकली है। हमारे पास y और z का आंसर अभी भी नहीं है, तो मैं इसका आंसर निकाल लेता हूं। कौन सा निकालूं, मैं z निकालता हूं। देखो मैं z क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि z के साथ में x अल्टरनेट एंगल है, दिखाई पड़ रहा है आपको, z जो है x के साथ में अल्टरनेट है, तो मुझे z को निकालना पड़ेगा। तो z की वैल्यू मेरे पास में है, क्या है, z जो है वो 7x है। यहाँ पे लिखोगे 7 इंटू, यहाँ पे पहले लिख लो 7x और 7 इंटू x की वैल्यू मेरे पास है 18, कितना होगा 18 7 का, बराबर है 126। तो मेरी z की वैल्यू यहाँ पर निकल के आएगी 126 डिग्री। अभी देखो इसने हमको दिया था, नाउ AB is parallel with CD, ये हमको उसने गिवन में दिया है, and then CD is parallel with EF, ये भी दिया है। तो इससे मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर AB भी CD से parallel है और EF भी CD से parallel है, तो AB और EF भी parallel होगा। तो ये मैं यहाँ लिख सकता हूँ, therefore AB is parallel with EF, और अगर AB EF के साथ parallel है तो एंगल x जो है वो z के साथ अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, और अल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। देयरफॉर मैं बोल सकता हूं x इज इक्वल टू z, रीजन लिखोगे अल्टरनेट एंगल थ्योरम, ठीक है। और इससे मैं बोल सकता हूं कि z मेरे पास ऑलरेडी 126 है, तो x जो है वो भी हो जाएगा 126 डिग्री। आएगा सबको समझ में, x की वैल्यू 126 कैसे आई है, समझ में आया, बताओ। ओ, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। और इसके जैसे और भी आपको कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, तो कौन सा क्वेश्चन बताओ, एक चलिए वाला क्वेश्चन ले लेता हूं, 4.144, इसमें काफी कंस्ट्रक्शन करके आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो मैं आपको बता देता हूं, चलो इसको लिख लेना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो एक, और इसको अपने रजिस्टर में लिख लेना। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। उसमें जो डायग्राम दी है उसमें काफी कंस्ट्रक्शन करके आपको उसको सॉल्व करना है। वो वाला क्वेश्चन यहाँ पे ले लेता हूँ, जिससे फिर आप बाकी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओ, ठीक है, ध्यान दीजिए। पर डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ पर, इस तरह से हमारे पास एक डायग्राम दी हुई है,
इसमें कुछ वैल्यूज हमको मालूम है और कुछ आपको फाइंड आउट करनी है। ये वाला एंगल हमको दिया हुआ है 110 डिग्री, उसके बाद एक ये वाला एंगल दिया है हमको 130 डिग्री, ठीक है। और गिवन में क्या आइडिया दिया है देख लेते हैं, PQ इज पैरेलल विद SD, गिवन जो जो दिया हुआ है वो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, गिवन PQ इज पैरेलल विद SD एंड देन PQR इज 110, वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसका नेमिंग मैं लिख लेता हूँ PQR, उसके बाद ST, ठीक है। इस तरह से जो हमें नाम दिए हुए थे एंगल्स के पॉइंट्स के वो मैंने वहां पे लिख दिए और आपको सॉल्व करने के लिए बोला इस क्वेश्चन को, PQR देन ST ऊपर लिखा हुआ। फाइंड आउट क्या करने के लिए बोला है वो भी देख लेते हैं, टू फाइंड, क्या फाइंड करने के लिए बोला उसने, उसने बोला है हमको QRS निकाल के दिखाओ, एंगल QRS की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो चलो कैसे करेंगे देखो, इसके लिए आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करोगे तो देखो, हमारे पास एक लाइन है PQ जो पैरेलल है ST के साथ, मतलब ये PQ ST के साथ पैरेलल है, तो इसको तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम समझने में इजी हो जाएगा। तो इस वाली लाइन को मैं पहले एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है, और इस वाली लाइन को भी मैं साथ ही साथ एक्सटेंड कर देता हूँ जिससे आपको समझने में थोड़ा सा इजी रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। ये हमारे पास दो लाइन्स थी, इस तरह से मैंने उसको ड्रॉ कर लिया। अभी यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा, कंस्ट्रक्शन क्या करूंगा, एक और लाइन आपको निकालनी है जो पैरेलल होगी इनके साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन बना दी, इसको मैं नेम दे देता हूँ MN, और जो भी आप लाइन वगैरह यहाँ पे अपने मन से ड्रॉ करोगे वो आपको वहां पे लिख देना है कि हमने ये वहां पे कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, ठीक है। तो जो भी आप वहां पे कंस्ट्रक्शन करोगे वो आपको वहां पे लिखना है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ, इसको नहीं भी लिखा तो चलेगा क्योंकि वो लाइन मैंने सिर्फ एक्सटेंड की है, तो उसमें कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसमें आपको कुछ नहीं लिखा हमने तो भी चलेगा। बट जो आप अपने मन से यहाँ पे एक नई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो आपको लिखना पड़ेगा, ड्रॉ MN पैरेलल भी, MN को मैंने पैरेलल बनाया हुआ है PQ के साथ, ठीक है, ड्रॉ MN पैरेलल विद PQ थ्रू कौन से पॉइंट, कौन से वाले पॉइंट से मैंने इसको ड्रॉ किया है, पॉइंट R से, वहां पे लिख दोगे थ्रू R, ठीक है। इस तरह से आप वहां पे कंस्ट्रक्शन में लिख दोगे और उसके बाद हमको इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान दो, अभी हमको ये मालूम है कि ये जो ST है वो PQ से पैरेलल है और PQ जो है वो मैंने पैरेलल बना दिया MR के साथ, तो ये यहां पर मैं उसी चीज को यहां पर लिखने वाला हूं। देखो रूट सबसे पहले तो ST इज पैरेलल विद PQ, ये हमको गिवन में दिया है, एंड देन और क्या दिया हुआ है, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया अभी PQ इज पैरेलल विद MR, तो ST पैरेलल है PQ के साथ, इसका रीजन मैं लिखूंगा गिवन PQ पैरेलल है MR के साथ, ये है मेरा कंस्ट्रक्शन। और इन दोनों समय क्या हो सकता हूं देखो, आप खुद ही देखो, ST PQ से पैरेलल है, PQ MR से पैरेलल है, मतलब ST और MR ये दोनों लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल हो जाएगी, तो ST इज पैरेलल विद MR, ऐसा भी मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ। और अगर ST MR के साथ पैरेलल हो जाएगी तो आप यहाँ पे थोड़ा देखो, ये जो एंगल है ये वाला एंगल इस वाले एंगल के साथ इक्वल हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि देखो ये वाला भी एक अल्टरनेट एंगल है और वो भी अल्टरनेट एंगल है। इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ यहाँ पर, अगर इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर दूंगा तो आप देख पा रहे हो कि ये दो मेरी पैरेलल लाइन है और ये वाली मेरी ट्रांसवर्सल है, और उसके कारण ये दोनों एंगल एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे, और जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, हमने थ्योरम के अंदर देखा हुआ, तो उसी का यूज करके मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ इस पॉइंट को, या फिर ये हमारे पास तो है ऑलरेडी, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ एंगल RST, एंगल RST इज इक्वल विद एंगल SIM,
ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 130 डिग्री। इसका रीजन लिख लोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को यहां तक सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद हमको क्या करना है, आर एस टी इक्वल हो गया एस आर एम के साथ, दोनों की वैल्यू है 130 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से मैंने निकाला। तो देखो आप, ये मेरा कंप्लीट एंगल जो है वो 130 डिग्री का हो चुका है। अभी थोड़ा और ध्यान दो, PQ और MR भी पैरेलल है, और उसमें ये जो दो एंगल्स है मेरे पास, ये वाला एंगल और ये वाला, ये छोटा वाला एंगल, ठीक है, ये वाला, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, और इंटीरियर एंगल के केस में हमको मालूम है कि उन दोनों की एडिशन हमेशा 180 डिग्री होती है, ठीक है, ये हमको मालूम है। तो मैं यहाँ पे इस वाले एंगल को, कौन से एंगल को, QRM को निकाल सकता हूँ। तो देखो कैसे निकालूंगा, एंगल PQR प्लस एंगल PQR के साथ QRM, एंगल QRM PQR में अगर QRM को ऐड करोगे तो दोनों का आंसर आना चाहिए 180 डिग्री। इसका रीजन लिखोगे इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये हमारा थ्योरम था, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर इक्वल विद ईच अदर, ये हमको मालूम है। तो उसी का मैंने यहाँ पे यूज किया, पी क्यू आर प्लस क्यू आर एम इज इक्वल टू 180, बट उसमें से पी क्यू आर मुझको मालूम है 110 डिग्री, उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लस क्यू आर एम मुझको नहीं मालूम है इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से मेरा एंगल क्यू आर एम निकल जाएगा 180, ये उधर चला गया तो माइनस 180 माइनस 110 मतलब 70 डिग्री, ठीक है, समझ में आया आपको यहाँ तक हमने किस तरह से एंगल क्यू आर एम को निकाल लिया, ये हमको यहाँ पे समझ में आ चुका है। जो वैल्यू मेरे पास निकल के आई है वो है 70 डिग्री। अभी आप खुद ही देखो, मुझको मालूम है एस आर एम कंप्लीट वाला एंगल मुझको मालूम है 130 डिग्री, और उसके बाद ये छोटा वाला एंगल भी मुझको मालूम है क्यू आर एम 70 डिग्री। तो इस कंप्लीट 130 में से अगर मैं ये 70 वाला छोटा एंगल निकाल दूं तो मुझको ये एंगल मिल जाएगा, और वही एंगल आपको निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ पे लिखोगे क्या बोला था उसने निकालने के लिए, क्यू आर एस, तो एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू, क्यू आर एस क्या है चेक करो थोड़ा सा, क्यू आर एस का मतलब क्या है, इस कंप्लीट वाले मतलब बड़े वाले एंगल में से छोटे वाले एंगल को माइनस कर दो, ये आपका एंगल निकल जाएगा। तो वही मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू एस आर एम माइनस में क्यू आर एम, और इन दोनों की वैल्यू हमको मालूम है, एस आर एम की वैल्यू मुझको मालूम है 130 डिग्री, एंड देन क्यू आर एम की वैल्यू मुझको मालूम है 70 डिग्री। तो 130 में से अगर 70 चले जाएंगे तो यहाँ पे मेरा एंगल आना चाहिए 60 डिग्री का। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, यस और नो, फास्ट रिप्लाई करते जाओ, समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जो आपकी एनसीईआरटी के बुक में 105 पेज नंबर पे दिया है, जिसको बोला जाता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, और थ्योरम कुछ इस तरह से है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, उसमें बोला है सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो गिवन टू प्रूव और प्रूफ, मुझे सब कुछ इसी से लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर देता हूँ, और अपने मन से ट्राइंगल को हम लोग नेम दे देंगे, इसको मैंने बोल दिया ए बी सी, और ये क्या बोलता है सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, इनके एंगल्स की एडिशन 180 डिग्री आनी चाहिए, ऐसा इसका कहना है। तो इसका यूज करके मैं गिवन लिखता हूँ, प्रूफ भी लिखता हूँ, प्रूफ भी लिखकर देता हूँ। तो गिवन में क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, इसने बोला है सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180, तो इसने हमको ये दिया है कि ट्राइंगल एबीसी है हमारे पास, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए बी सी आर देयर वर्टेक्स, तो ये आपने नहीं लिखा तो भी चलेगा,
ठीक है, इतना भी लिखा सफिशिएंट है। इन ट्रायंगल एबीसी ए बी सी आर द वर्टेक्स, या फिर वर्टाइसेस बोल सकते हो, ये हमारा गिवन में दिया हुआ। टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, उसने बोला है कि सभी एंगल्स की एडिशन 180 होती है, ये प्रूव करके दिखाओ। तो मैं लिखूंगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ट्रायंगल एबीसी एबीसी आर द वर्टेक्स, ये हो जाएगा हमारा गिवन, क्योंकि उसने बोला है कि एबीसी एक ट्रायंगल है, और प्रूव करने के लिए बोला है कि उसके सभी एंगल्स की एडिशन 180 होती है। इसीलिए मैंने यहां पे लिखा टू प्रूव में एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। अभी इसको प्रूव करने के लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, तो मैं सबसे पहले तो इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूं। तो ये कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, कंस्ट्रक्शन आपको ये करना है कि एक पैरेलल लाइन बनानी है इस बीसी के साथ, ठीक है। इसको मैं नाम देता हूं पी क्यू, और यहां पे लिख लोगे कंस्ट्रक्शन के अंदर ड्रॉ लाइन पी क्यू पैरेलल बी, पी क्यू को हमको पैरेलल बनाना है इसके साथ में बीसी के साथ में। तो वही मैंने यहां पे लिख लिया ड्रॉ लाइन पी क्यू पैरेलल बी बीसी। अभी देखो इसका यूज करके मैं इसको कैसे सॉल्व करने वाला हूं, थोड़ा ध्यान दो आगे। हमने लिख लिया कि लाइन PQ जो है BC से पैरेलल है, तो आप मुझे बताओ हमारे पास ये जो एंगल है कौन सा वाला, ये वाला जो एंगल है, ये अंदर वाला जो एंगल है, ये एंगल इसके साथ इक्वल होगा ना, क्योंकि ये दोनों एंगल एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। एट द सेम टाइम ये जो छोटा वाला मेरा एंगल है, ये वाला भी इसके साथ इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, मतलब दो पैरेलल लाइन के बीच में आने वाले एंगल्स है अल्टरनेट में, जो एक दूसरे के साथ इक्वल होते हैं। और इसीलिए मैं यहां पे लिख सकता हूं, देखो रूप में क्या लिखूंगा, जो मैंने कंस्ट्रक्शन किया वो पहले मुझे लिखना पड़ेगा पी क्यू इज पैरेलल विद बी सी। और अगर PQ जो है BC से पैरेलल है, तो इसका मतलब ये हो गया PAB is equal with ABC, और इसका रीजन हम लोग लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम। यहां पर आप खुद ही देखो PAB ABC के साथ इक्वल है, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ अल्टरनेट एंगल, और सेम वे में ये दोनों एंगल्स भी एक दूसरे के अल्टरनेट है, वो भी मैं यहां पे लिख लेता हूं। एंगल कौन सा है हमारा एंगल, तो ये हमारा एंगल है एंगल क्यू ए सी इज इक्वल विथ क्यू ए सी इज इक्वल विथ ए सी बी, और इसका भी रीजन वही होगा हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। याद है, समझ में आएगा आपको, यस और नो सर, रिपीट करो। क्या नहीं समझा, मुझे आगे नहीं समझा, हमने क्या किया है, हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की जो बीसी साइड है उसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, और उसके साथ एक पैरेलल लाइन बनाई पी क्यू नाम से। और हमको अगर मालूम है कि अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइन है और ये मेरा अगर ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, और उसके कारण ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल हो जाएंगे। एट द सेम टाइम वही दो पैरेलल लाइन के लिए अगर मेरा ये ट्रांसवर्सल है, तो उस कंडीशन में भी ये दोनों एंगल एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, मतलब उनकी एडिशन भी 180 डिग्री होंगी। आएगा समझ में आपको, यस yes? हाँ, तो हमारे पास में है पी ए बी इक्वल एबीसी के साथ, पी ए बी एबीसी के साथ इक्वल है। दूसरा हमारा क्यू ए सी और ये ए सी बी के साथ में इक्वल है। उसके बाद आप देखो ये तीनों एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, बराबर है क्या, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, बराबर है कि नहीं, यस और नो, फास्ट रिप्लाई करो।
क्लास में इंटरेस्ट नहीं है क्या आपको? ठीक है सर। तो यहाँ पे ये तीनों एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, मतलब तीनों की एडिशन 180 होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एंगल पी ए बी प्लस एंगल बी ए सी और प्लस में एंगल है क्यू ए सी, ये तीनों की एडिशन होनी चाहिए 180 डिग्री। इसका रीजन लिखोगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स से मैं बोल सकता हूँ कि इन तीनों की एडिशन 180 होनी चाहिए। बट थोड़ा ध्यान दे, तो मैं पॉइंट्स दे देता हूँ। ये हो गया मेरा पॉइंट नंबर वन, ये है पॉइंट नंबर टू और ये है हमारा पॉइंट नंबर थ्री। अभी मैं इन तीनों का यूज करके देखो कैसे लिखता हूँ। यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम वन टू एंड थ्री, तीनों पॉइंट का यूज करके मैं यहाँ पे देखो कि क्या लिखने वाला हूँ। पी ए बी देखो किसके साथ में इक्वल है, ए बी सी के साथ। तो मैं पी ए बी की जगह पे यहाँ पे लिख लेता हूँ ए बी सी, ठीक है। देन दूसरा है मेरे पास बी ए सी, तो बी ए सी किसी के भी साथ इक्वल नहीं है तो उसको मैं एज इट इज लिखता हूँ। और तीसरा देख लो क्यू ए सी, क्यू ए सी जो है वो ए सी बी के साथ में इक्वल है तो क्यू ए सी की जगह पे मैं लिख लेता हूँ ए सी बी इज इक्वल टू 180। समझ में आएगा यहाँ तक? यस और नो? ए बी सी प्लस बी ए सी प्लस ए सी बी इक्वल टू 180 हो गया, क्योंकि हमने क्या किया है इनकी जो जो वैल्यू मेरे पास में है मैंने ऊपर निकाली हुई उसी को यहाँ पे मैंने पुट किया है। मतलब PAB ABC से इक्वल था तो PAB की जगह पे ABC लिख दिया, उसके बाद QAC ACB से इक्वल था तो QAC की जगह पे ACB लिख दिया। अभी थोड़ा ध्यान दो, ABC दूसरा BAC तीसरा ACB, ये तो ये तीन एंगल हो गए हमारे ट्रायंगल के, और वही उसने हमको प्रूव करने के लिए बोला था एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180, और वही हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। तो नीचे आप लिख दोगे हेंस प्रूव। समझ में आ गया क्या आपको थ्योरम? कर पाओगे? चलो ठीक, तो इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कवर कर लेंगे। ओके सर।